नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के एनिमेशन वीडियो लेकर के आया हूँ। मैंने सोचा जो वाल्व के अंदर लिक्विड का फ्लो कैसे होता है इसके बारे में बताऊँ, तो इसीलिए मैंने एक एनिमेशन वीडियो तैयार किया और आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ इस वाल्व में। तो मैं जगदीप और हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है इसमें दो पोजीशन और फोर वे है, यानी फोर वे जो जितना पोर्ट रहेगा उसको वे कहते हैं। तो इसमें जो ए बी पी और टी जो लिखा हुआ देख रहे हैं दोस्तों, ये पोर्ट है दोस्तों। तो ए और बी जो पोर्ट है ये सिलेंडर लाइन होता है, जिसमें ए से एक सिलेंडर लाइन में कनेक्ट रहेगा और बी के थ्रू भी एक सिलेंडर का लाइन कनेक्ट रहेगा। पी जो है ये प्रेशर है दोस्तों, ये पंप से कनेक्टेड रहता है दोस्तों। और टी जो दिखा रहे हैं इसमें ये टैंक से कनेक्टेड रहता है, और जो कि टैंक के सहायता से फिर टैंक की ये जो टी जो दिखा रहे हैं दोस्तों ये टैंक से कनेक्टेड है, जिसमें रिजर्व ऑयल रहता है ना, फिर रिटर्न रिजर्व ऑयल में चला जाता है दोस्तों। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी प्रेशर पी से बन रही है और पी से होते हुए ये अभी पोर्ट ए से जा करके सिलेंडर लाइन ए को जाती है और बी से रिटर्न होकर के टैंक में चली जाती है। और अभी देखिए जैसे स्पूल मूव हुआ है तो अभी पी से ऑयल फ्लो होकर के बी के तरफ जा रही है और ए से रिटर्न होकर के टी में आ रही है, जैसे ही स्पूल मूव हो रहा है दोस्तों। तो अभी देख रहे हैं कंटिन्यूसली बी में ऑयल जा रही है बी के तरफ और ए से रिटर्न टैंक में जा रहा है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं अगली वीडियो में आपको हाइड्रोलिक वाल्व के लेकर के आऊँगा। आज तक के लिए धन्यवाद।